नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूर्व में सीएनटी एक्ट के 5 वीडियो के अंतर्गत अध्याय 3 तक की चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत धारा 1 से लेकर धारा 15 तक की विस्तृत चर्चा की थी। आज सीएनटी एक्ट के अध्याय 4 की चर्चा करूंगा, जो रैयत और रैयत के लगान के संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का अध्याय 4। ध्यान दीजिएगा, यह अध्याय जो है वह धारा इस यह अध्याय जो है अधिभोगी रैयत से संबंधित है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का अध्याय 4 अधिभोगी रैयत से संबंधित है। इस अध्याय के अंतर्गत धारा 16 से लेकर 36 तक कुल 25 धाराओं का वर्णन किया गया है। इन 25 धाराओं में से जो बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, उसको आज मैं आप लोगों का उसको आज हम लोग आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 4 का धारा 16। ध्यान दीजिएगा, धारा 16 क्या कहता है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि यदि किसी रैयत को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कानूनी रूप से किसी भूमि पर ऑक्यूपेंसी राइट यानी अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो, तो इस बात के होते हुए भी कि उसने 12 वर्षों तक भूमि पर न तो खेती की है और न ही उसे धारित किया है, भूमि पर उसका अधिभोग का अधिकार समाप्त नहीं हुआ। अर्थात धारा 16 कहता है कि यदि कोई रैयत जो है इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कानूनी रूप से किसी भूमि पर उसको ऑक्यूपेंसी राइट प्राप्त है, तो इस बात के होते हुए भी कि उसने 12 वर्षों तक भूमि पर न तो खेती की है और न ही उसे धारित किया है, भूमि पर उसका अधिभोग का अधिकार समाप्त नहीं होगा। तो धारा 16 क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व कानूनी रूप से किसी भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो इस बात के होते हुए भी कि उसने 12 वर्षों तक भूमि पर न तो खेती किया है और न ही उसे धारित किया है, भूमि पर उसका अधिभोग का अधिकार समाप्त नहीं होगा। है यह बंदोबस्त रैयत के संबंध में है। किसके संदर्भ में है? बंदोबस्त रैयत। जैसे मान लीजिए, इसको आप समझिए इस तरीके से कि एक भूमि है, भूमि किसी गांव में या एक भूमि है। इस भूमि पर इतनी भूमि जो है वह किसी व्यक्ति को जो बाहर से आया है, बाहर से आने वाले व्यक्ति को इस भूमि पर जो वह रह रहा है, वह लगातार 12 वर्षों तक वह रह रहा है, तो उसको क्या किया गया कि उसको बंदोबस्त कर दिया गया। मतलब सरकार के द्वारा उस भूमि पर उसको अधिभोग का अधिकार दिया गया। तो धारा 17 जो है इसी के संदर्भ में है कि बंदोबस्त रैयत किसे कहा गया, इसी में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर या रैयत के रूप में धारित किया गया है, तो 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी उस ग्राम का वह क्या होगा, बंदोबस्त रैयत ही समझा जाएगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह पूर्णतः या अंशतः किसी ग्राम के वहीं पर किसी ग्राम के वहीं पर वह रह रहा है, वो रैयत के रूप में उसको धारित किया है, तो 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी उस ग्राम का वह क्या समझा जाएगा, बंदोबस्त रैयत। तो धारा 17 जो है वह बंदोबस्त रैयत के संदर्भ में है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस अधिनियम किस धारा के अंतर्गत है, तो आप बताएंगे सीएनटी एक्ट की धारा 17 में इसको परिभाषित किया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी से संबंधित, धारा 74 बंदोबस्त रैयत से संबंधित धारा 74। इसके अंदर क्या बताया गया है कि यदि कोई रैयत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि कोई रैयत धारा 74 के अधीन, ध्यान दीजिएगा, धारा 74 के अधीन या बाद में भूमि का कब्जा वापस लेता है, तो जमीन के 3 वर्ष से अधिक समय तक बेकब्जा रहने के बावजूद वह बंदोबस्त रैयत जो है वह बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। उल्लेखनीय है कि धारा 74 जो है वह रैयत द्वारा भूमि के परित्याग से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाएगा धारा 74 क्या है, तो रैयत द्वारा भूमि के परित्याग से संबंधित है। इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत यदि कोई रैयत भूस्वामी को बिना कोई सूचना दिए पट्टे का परित्याग करता है, मतलब जो उसको दिया गया था और बंदोबस्त किया गया था, उस पट्टे का वह परित्याग कर दे भूस्वामी के बिना सूचना दिए हुए, तथा
उस भूमि पर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खेती करना वह बंद कर दे एवं भूमि पर लगान का भुगतान करना भी बंद कर दे, तो भूस्वामी अगले कृषि वर्ष में उक्त भूमि किसी दूसरे रैयत को पट्टा पर दे सकता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, धारा 74 क्या है कि अगर कोई रैयत जो है वह स्वेच्छा से भूमि का परित्याग कर दे तो क्या होगा, या भूस्वामी को बिना सूचना दिए पट्टे का परित्याग कर दे, उस भूमि पर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा खेती करना भी बंद कर दे और उस पर लगान का जो भुगतान होता है वह भी भूस्वामी को देना बंद कर दे, तो भूस्वामी क्या करेगा, अगले कृषि वर्ष में उक्त भूमि किसी दूसरे रैयत को पट्टा पर दे सकता है। लेकिन इसमें एक क्लॉज है, क्लॉज क्या है कि अगर अधिभोगी रैयत 3 वर्ष की अवधि के भीतर तथा अनधिभोगी रैयत 1 वर्ष के भीतर भूमि पर कब्जा वापस करने का आवेदन देगा तो उपायुक्त अगर देख ले कि हाँ यह स्वेच्छा से भूमि का परित्याग नहीं किया था, कोई मजबूरी थी जिसके कारण उसने भूमि का परित्याग किया था, तो उपायुक्त क्या करेगा, यह समाधान अगर उपायुक्त को हो जाए कि रैयत ने जोत का परित्याग स्वेच्छा से नहीं किया है तो वह बकाया लगान के भुगतान के बाद रैयत का भूमि पर कब्जा वापस दिला सकता है। तो एक महत्वपूर्ण है धारा 17 के अंतर्गत ही धारा 74 है जो अगर जिसके अंतर्गत अधिभोगी रैयत 3 वर्ष की अवधि के भीतर तथा अनधिभोगी रैयत 1 वर्ष के भीतर भूमि पर पुनः कब्जा करने के लिए आवेदन दे सकता है, और अगर उपायुक्त को यह समाधान हो जाए कि हाँ उसने जोत का परित्याग स्वेच्छा से नहीं किया था तो वह बकाया लगान के भुगतान के बाद उपायुक्त उसको भूमि पर कब्जा वापस दिला सकता है। अब आते हैं धारा 18, ध्यान दीजिएगा धारा 18 जो है वह किससे संबंधित है, भूयरों तथा मुंडारी खुटकट्टीदारों को बंदोबस्त रैयत होना। मतलब यहां पर दो पॉइंट है जो आपको समझना है, पहले भूयर किसे कहते हैं और मुंडारी खुटकट्टीदार किसे कहते हैं। इसे मैंने पिछली वीडियो में अपने आपको बताया था, भूयर मतलब वह भूमि होती है जो उरांव जनजाति द्वारा खेती के लिए विकसित की गई है, जमीन को साफ करके विकसित की गई है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि उरांव जनजाति में व्यक्तिगत भूमि का कॉन्सेप्ट नहीं था, सामूहिक भूमि का कॉन्सेप्ट था, तो ऐसी भूमि को कहा जाता है भूयर। और मुंडारी खुटकट्टीदारी मतलब मुंडारी लोगों के द्वारा जब जंगल को साफ कर भूमि को खेती योग्य बनाया गया और उनके वंशजों को जो भूमि प्राप्त हुई है तो उसी भूमि को कहा जाता है मुंडारी खुटकट्टेदारी। तो यहां पर दो पॉइंट है, भूयर तथा मुंडारी खुटकट्टेदारों का बंदोबस्त रैयत होना। क्लियर है? तो इस धारा में अभी हम बताएं कि भूयर और मुंडारी खुटकट्टेदार को बंदोबस्त रैयत होने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी ग्राम में मंजियस या बड़खेता के रूप में ज्ञात भूमि के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या कह रहा है कि मंजियस या बड़खेता के रूप में ज्ञात भूमि के अतिरिक्त, मतलब अगर मंजियस भूमि है या बड़खेता भूमि है तो वह भूमि नहीं, इसके अतिरिक्त अगर कोई भूमि है तो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत रजिस्टर में वह शामिल हो और वहां किसी भूयर परिवार के सदस्य लगातार 12 वर्षों तक भूमि को धारण करते आए हों तो भूयर परिवार के सदस्य उस भूमि के बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। मंजियस भूमि कैसी होती है, मंजियस भूमि जमींदारों की भूमि होती है, जमींदारों के द्वारा विकसित की गई भूमि होती है, अपने उपयोग के लिए उनके द्वारा जो भूमि रखी गई है उसे मंजियस कहा जाता है। उसी भूमि का एक रूप जो जमींदार जो है खुद अपने देखरेख में भूमि पर खेती करवाते हैं उसे कहा जाता है बड़खेता। तो उस इन भूमि को छोड़कर अगर कोई भूमि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत रजिस्टर में शामिल है और वहां कोई भूयर परिवार के सदस्य लगातार 12 वर्षों तक रह रहे हों, भूमि को धारण कर रहे हों, तो भूयर परिवार के सदस्य उस भूमि के बंदोबस्त रैयत समझ जाएंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है यह, आप ध्यान देंगे। और इसी का दूसरा क्लॉज क्या है कि किसी गांव की ऐसी भूमि जो मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी का भाग न हो, क्लियर है, मुंडारी खुटकट्टेदारी काश्तकारी का भाग न हो, फिर भी किसी अभिलेख में अगर उसको मुंडारी खुटकट्टेदारी के रूप में दर्ज कर दिया गया हो तो ऐसे ग्राम के मुंडारी खुटकट्टेदारी काश्तकारी परिवार की सभी पुरुष सदस्य, यहां इंपॉर्टेंट है पुरुष सदस्य, महिला नहीं, पुरुष सदस्य जो उस गांव में 12 वर्षों से भूमि पर धारण करते हो बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। तो धारा 18 जो है वह दो लोगों, भूयरों और मुंडारी खुटकट्टेदारों के का बंदोबस्त रैयत होने से संबंधित है। इसी से संबंधित अगला है धारा 19, ध्यान दीजिएगा धारा 19 क्या कहता है,
जो बंदोबस्त है रैयत, जैसे धारा 17 में और धारा 18 के अंतर्गत जिसको किसी गांव का बंदोबस्त रैयत घोषित किया गया है, तो उस गांव में उनके द्वारा धारित सभी भूमि में अधिभोग का अधिकार उन्हें प्राप्त होगा, यह धारा 19 कहता है। धारा 19 का बिल्कुल आप शॉर्ट लैंग्वेज में बिल्कुल आसान तरीके से समझ ले कि इस अधिनियम की धारा 17 एवं 18 के अंतर्गत यदि किसी गांव का बंदोबस्त कोई रैयत है तो उस गांव में उसके द्वारा धारित सभी भूमि में उसको अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो गया। अब अध्याय 4 का जो सबसे महत्वपूर्ण है धारा 21 और धारा 21 क, ध्यान दीजिएगा यह काफी इंपॉर्टेंट है। यह जो एक्ट है अधिनियम की यह धारा काफी इंपॉर्टेंट है। धारा 21 क्या कहता है, भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोग रैयत के अधिकार, मतलब जो अधिभोगी रैयत हैं उनका भूमि के उपयोग के संबंध में क्या क्या अधिकार है इसके संदर्भ में बताया गया है। इसके संदर्भ में बताया गया कि स्थानीय रीति प्रथा द्वारा या इसके बिना भी, जो रीति में नहीं हो और रीति में हो किसी भी तरीके से, इसके बिना भी काश्तकारी के लिए वह काम कर सकता है, अर्थात वह अपनी भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु, ईंट और खपों के विनिर्माण हेतु, पेयजल के लिए, कृषि कार्य के लिए, मत्स्य पालन के लिए, कुएं की खुदाई के लिए, बांध के निर्माण के लिए, व्यापार के लिए, कुटीर उद्योगों के संचालन के लिए, कुटीर उद्योग मतलब जैसे मछली पालन है, गौ पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, तो कुटीर उद्योगों के संचालन तो भवन निर्माण का काम हुआ कर सकता है, यह धारा 21 है। मतलब धारा 21 जो है वह भूमि उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकारों को बताता है, वह अधिकार है। और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि यदि कोई रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है तो ऐसी जोत पर किसी भी प्रयोजन के लिए निर्मित तालाब के उत्पादों में भू स्वामी का हिस्सा 9/20 तथा रैयत का हिस्सा 11/20 होगा। मतलब कि जो ऐसी भूमि है, बंदोबस्त भूमि है, इसमें रैयत जो है अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है और इस पर अगर तालाब बनाया जाता है तो तालाब का जो उत्पाद होता है, जैसे मछली है, मछली का है या फिर और भी जो प्रोडक्शन होता है, तो उसमें जो जमींदार या मालिक सरकार का जो हिस्सा होगा वह 9/20 होगा और रैयत का हिस्सा जो होगा 11/20 होगा। तो यह काफी महत्वपूर्ण है धारा 21। और इसी के अंतर्गत धारा 21 का क, यह भी मैंने अभी बताया कि काफी महत्वपूर्ण है। जैसे धारा 21 क्या कहता है, धारा 21 कहता है कि भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोग रैयत का क्या अधिकार है, लेकिन धारा 21 का क जो है वृक्षों में अधिभोगी रैयत का क्या अधिकार होता है, वृक्षों में अधिभोगी रैयत के अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जब किसी रैयत को किसी भूमि पर अधिभोग अधिकार प्राप्त होता है तो वह उस भूमि पर क्या क्या काम कर सकता है, वृक्ष और बांस लगा सकता है, उसे काट भी सकता है, ऐसी भूमि पर खड़े वृक्ष के सभी उत्पादों का वह प्रयोग कर सकता है, साथ ही वृक्षों पर लाख, कुसवार, रेशम का प्रोडक्शन कर सकता है। परंतु यहां फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि ऐसी भूमि के लगान का भुगतान धारा 61 के अनुसार किया जा रहा है तो इस भूमि पर उत्पादित कास्ट मतलब लकड़ी में भूस्वामी तथा रैयत का हिस्सा बराबर बराबर होगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा धारा 61 क्या कहता है कि धारा 61 में अगर आपको मतलब पहले क्या होता था कि लगान का जो भुगतान होता था वह वस्तु के रूप में भी किया जाता था, तो धारा 61 के अनुसार वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण उपायुक्त धन लगान के रूप में भी कर सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। धारा 21 जो है वह, ध्यान दीजिएगा, धारा 21 जो है वह भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोग रैयत का अधिकार को बताता है और 21 का बताता है कि अगर उस भूमि पर वृक्ष है तो वृक्षों में अधिभोग रैयत का क्या अधिकार होगा, वह वृक्ष और बांस लगा भी सकता है, उसे काट भी सकता है और ऐसी भूमि पर खड़े वृक्ष के सभी उत्पादों का उपयोग भी कर सकता है, उस पर वृक्ष और उस वृक्षों पर लाख और रेशम का उत्पादन कर सकता है, कुसवार लगा सकता है। परंतु ऐसी भूमि के लगान का भुगतान अगर धारा 61 के अनुसार अगर किया जा रहा हो तो उस भूमि पर उत्पादित लकड़ी में भूस्वामी तथा रैयत का हिस्सा बराबर बराबर होगा, यह धारा 21 का कहता है। और इसी के अंतर्गत धारा 22 जो है वह रैयत की बेदखली के संदर्भ में, देखिए एक क्रोनोलॉजी बना हुआ है, बिल्कुल आप अगर क्रोनोलॉजी के अनुसार पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाएंगे कि देखिएगा क्रोनोलॉजी में क्या है। सबसे पहला क्रोनोलॉजी है कि बंदोबस्त रैयत, इसके पहले क्या है, धारा 61 16 जो कह रहा है ऑक्यूपेंसी राइट के बारे में कह रहा है, रैयत के बारे में,
धारा 17 जो है वह बंदोबस्त रैयत की बात को बता रहा है। बंदोबस्त रैयत में भी भुइयारी और खुटकट्टी मुंडारी खुटकट्टी इदारों के बारे में धारा 18 में बताया गया है। उसके बाद धारा 19 में बंदोबस्त रैयत मतलब जिनको धारा 17 और 18 में बंदोबस्त किया गया है भूमि, तो उनकी उनके बारे में जो अधिकार है उनको क्या अधिकार प्राप्त होगा वह धारा 19 में है कि ऐसी धारा 17 और 18 के अंदर कोई अगर बंदोबस्त किया गया है तो उस गांव में उसके द्वारा सभी भूमि में उसका अधिभोग का अधिकार प्राप्त होगा। धारा 21 क्या कहता है, अब भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोग रैयत की अधिकारों की चर्चा की गई है। 21 का जो कह रहा है उस भूमि पर वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार, लेकिन धारा 22 क्या कहता है, रैयत की बेदखली कि रैयत की बेदखली कैसे की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी रैयत ने भूमि का उपयोग धारा 21 और 21 क के अंतर्गत किया है तो किया हो तो भूस्वामी द्वारा उसको भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर उसने 21 और 21 का के प्रावधानों का उल्लंघन किया, जैसे वह कुछ ऐसा काम किया भूमि पर जिससे भूमि बंजर हो गई, अनुर्वर हो गई, भूमि का किस्म जो है वह निम्नकृत हो गया, तब उसको बेदखल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसने 21 और 21 का के अंतर्गत भूमि का उपयोग किया है तो भूस्वामी द्वारा किसी भी आधार पर उसको जो है भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो धारा 22 क्या है, रैयत की बेदखली के संबंध में। इसी से संबंधित अगला है धारा 23, अगर रैयत की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा आगे। तो मृत्यु हो जाने पर अधिभोगधारी का न्यायगत होना, मतलब यदि किसी अधिभोगधारी रैयत बिना वसीयत के मृत हो जाता है, मतलब बिना वह उत्तराधिकारी नामा किए वसीयत किए वह डेथ कर जाता है, तो उसके उत्तराधिकारी को मतलब उसके बेटे को उक्त भूमि का अधिभोग का अधिकार उसी तरह प्राप्त होगा जिस तरीके से अन्य संपत्ति प्राप्त होती है। तो धारा 23 भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर रैयत की मृत्यु हो जाती है बिना वसीयत दी किए वह मृत कर जाता है तो उसके बेटे को उक्त भूमि का अधिकार कैसे प्राप्त होगा, उसी तरीके से जिस तरीके से अन्य संपत्ति प्राप्त होती है। धारा 23 का क, अगर संपत्ति का ट्रांसफर, अगर संपत्ति प्राप्त होगी तो उसका पंजीकरण भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 23 जो है, 23 जो कहता है वह कह रहा है वसीयत के बाद बेटे को जमीन का प्राप्त होना, लेकिन 23 का जो है वह जोतों के अंतरण के संदर्भ में है, यानी ट्रांसफर के रजिस्ट्री पंजीकरण के संदर्भ में। इस धारा के अंतर्गत विक्रय विनिमय अथवा वसीयत की स्थिति में भूस्वामी के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। भूस्वामी ऐसे सभी हस्तांतरण के रजिस्ट्रीकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन पंजीकरण शुल्क लगेगा। कितना लगेगा, वार्षिक लगान का 2%, जो न्यूनतम 50 पैसा होगा और अधिकतम 50 रुपया होगा। तो यह पंजीकरण कहां होगा, भूस्वामी के कार्यालय में होगा। भूस्वामी का कार्यालय क्या है, तो जिसमें जमींदार थे, जमींदारी सिस्टम था, उसमें जमींदार का कार्यालय, वर्तमान में जमींदारी सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, तो अब सरकार का जो कार्यालय है, रजिस्ट्री कार्यालय, रजिस्ट्री ऑफिस, वहां पर इसका पंजीकरण होगा। क्लियर है। धारा 24 क्या कहता है, लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने 16 से लेकर 23 तक जो धारा पढ़ा वह रैयत के संदर्भ में, धारा 24 से अध्याय 4 का धारा 24 से 36 तक का जो प्रावधान है, 24 से 36 तक का जो प्रावधान है वह लगान के संदर्भ में, लगान के भुगतान के, लगान की बढ़ोतरी का, लगान की कमी का, लगान का निम्नीकरण का, इसके संदर्भ में। क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता के संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 24 वह क्या कहता है। इसमें है कि अधिभोगी रैयत अपनी जोत के लिए उचित और सामिक दर वे, उचित मतलब जो निर्धारित किया गया और जो समय है उस दर से लगान का वह भुगतान करेगा। परंतु यहां ध्यान दीजिएगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सरायकेला और खरसावां में रैयत द्वारा फलों के उद्यान खलिहान के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान, खलिहान के रूप में जो प्रयुक्त जोत किया जा रहा है उसके लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो यह धारा 24 कह रहा है। 24 का क्या कह रहा है कि विभाजन द्वारा जोत का खंड और उसके लगान का वितरण, इसके अंतर्गत इस धारा के अनुसार यदि जोत का विभाजन होता है, मतलब कि कोई भूमि है वह किसी रैयत का है और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होती है, मान लीजिए उसके दो बेटे हैं तो वह भूमि दो खंडों में बट गई, तो जब एक भूमि दो खंडों में बट गई तो उसका जो लगान का जो विभाजन हुआ वह भी दो भागों में बराबर बटेगा, यही कह रहा है धारा 24 का क, अर्थात विभाजन द्वारा जोत का खंड और उसके लगान का वितरण इस धारा के अनुसार
यदि ज्योत का विभाजन होता है तो उसी अनुपात में लगान का भी विभाजन होगा 24 का के बाद 25 26 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 27 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बताया गया है कि रैयत के जोत का लगान बढ़ाने की रीतियां, कौन कौन सी रीतियां हैं जिसके अंतर्गत रैयत के जोत का लगान बढ़ेगा। तो इस धारा के अंतर्गत रैयत के जोत का लगान बढ़ाने की रीतियों की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि धारा 29 ध्यान दीजिएगा यह इंपॉर्टेंट है, धारा 29 के अधीन उपायुक्त द्वारा पारित आदेश से ही लगान में वृद्धि की जा सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लगान के बढ़ाने की रीतियां किस धारा के अंतर्गत की गई है तो यह है धारा 29। धारा 28 क्या कहता है, लगान वृद्धि हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति की प्रक्रिया। तो इसके अंतर्गत उपायुक्त को आवेदन दिया जाएगा और आवेदन में भूमि की संपूर्ण विवरणी के साथ आवेदन उपलब्ध कराया जाएगा उपायुक्त को, जिसके अंतर्गत आप बताया जाएगा कि भूमि कितनी है, भूमि कौन सा खाता है, कौन सा प्लॉट है, कितना खाता प्लॉट का कितना ये है, उसका रकबा कितना है और वर्तमान में कितना लगान देय है और कितना लगान दिया जा रहा है। इस संपूर्ण विवरणी जो है वह धारा 28 के अंतर्गत आवेदन लगान वृद्धि हेतु आवेदन पत्र के साथ दिया जाएगा। क्लियर है। धारा 29 क्या कहता है, ऐसे आवेदन पत्र प्राप्ति की प्रक्रिया। तो आवेदन पत्र प्राप्त होते ही इसकी सूचना रैयत को दे दी जाएगी, इसके पश्चात लगान वृद्धि हेतु भूमि की माप एवं अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। लगान वृद्धि के लिए मतलब कितनी भूमि है, वर्तमान में कितने कब्जे में है, रैयत के कितने कब्जे में है, कितना वास्तविक इसका लगान वर्तमान दर पर किया जा सकता है, इसकी चर्चा धारा 29 में जो मैंने अभी बताई वह धारा 29 के तहत किया जाएगा। धारा 30, अगर उपायुक्त को लगे कि लगान परिवर्तन से कठिनाई उत्पन्न हो सकती है तो लगान में धीरे धीरे अनुक्रमिक रूप से वृद्धि होगी तथा 5 वर्षों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मतलब इसमें क्या है कि अनुक्रमिक वृद्धि निर्देशित करने की शक्ति, अगर उपायुक्त को लगे डीसी को लगे कि लगान परिवर्तन से वर्तमान में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है तो लगान में एकाएक वृद्धि न कर धीरे धीरे अनुक्रमिक रूप में वृद्धि की जाएगी और यह प्रक्रिया जो है 5 वर्षों में पूरी की जाएगी। धारा 33 का क क्या कहता है, इसमें रैयत के जोत के लगान में कमी संबंधी प्रावधान है। रैयत के जोत का लगान निम्नांकित दशाओं में उपायुक्त द्वारा किया जा सकता है, कौन कौन सी दशाएं हैं। यदि जोत का लगान धारा 29 के अधीन 1 जनवरी 1911 और 31 दिसंबर 1936 के बीच किसी समय बढ़ा दिया गया हो तब क्या करेगा, उस भूमि का लगान उपायुक्त जो है कम कर सकते हैं। क्लियर है पहला। दूसरा, यदि जोत की भूमि किसी आकस्मिक कारण से निम्नीकृत हो गई हो या बंजर हो गई हो, मान ली कोई भूमि ऐसी है जिस पर अचानक बाढ़ की प्रक्रिया हुआ, सूखा आ गया, जिसके कारण वह भूमि जो है वह बंजर भूमि हो गई, तो उस भूमि का जो लगान है उससे उसमें कमी की जा सकती है। अगला, यदि जोत का स्वामी सिंचाई का प्रबंध करने में असफल रहा हो तब उस में भी लगान में कमी की जा सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बताया गया है कि यदि वर्तमान लगान के जारी रहने के दौरान मुख्य खाद्य फसलों का औसत स्थानीय मूल्य में गिरावट आ गई हो तो भी लगान में कमी की जा सकती है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है कि यदि रैयत द्वारा आधारित भू क्षेत्र उस क्षेत्र से कम हो जिसके लिए वह लगान दे रहा है, मतलब जितनी भूमि है उसके कागज पर लेकिन व्यवहारिक रूप में उतनी भूमि नहीं है तो उस परिस्थिति में भी लगान में कमी की जा सकती है। क्लियर है। कौन कौन सा प्रावधान है धारा 33 का, वे प्रावधान जिसके अंतर्गत लगान में कमी की जा सकती है, उपायुक्त लगान में कमी कर सकते हैं। अगला है धारा 34, लगान में कमी के लिए अधिभोगी रैयत को उपायुक्त के पास भूमि एवं लगान संबंधी संपूर्ण विवरणी के साथ आवेदन देना होगा। बिल्कुल वही है कि अगर आपको रैयत को लगता है कि हम अधिक लगान दे रहे हैं और वह चाहता है कि लगान कम हो तो वह क्या करेगा, वह डीसी के पास उपायुक्त के पास अपनी भूमि और भूमि का लगान संबंधी संपूर्ण विवरणी, वही कौन 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 सी भूमि है, कितना खाता है, कौन सा रकबा है, वास्तविक रूप में कितनी भूमि है, कागज पर कितनी भूमि है, ठीक है, और उसमें अन्य की कितना लगान वर्तमान में होना चाहिए, इसके संबंध में वह एक आवेदन देगा जमीन के पेपर के साथ। किसको देगा, उपायुक्त को, कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 34 के अंतर्गत। धारा 35, ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति की प्रक्रिया। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर भू स्वामी को सूचना दी जाएगी और नियमानुसार अग्रेतर की कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है लगान कम करने की प्रक्रिया, वह धारा 35 के अंतर्गत बताई गई है। और धारा 36 जो है, जो अध्याय 4 का अंतिम धारा है, जिसके अंतर्गत
अधिकार अभिलेख, जहां अधिकार अभिलेख न हो, ठीक है, जहां पर रजिस्टर न हो उसका अधिकार अभिलेख न हो, वहां लगान में वृद्धि और कमी का वर्जन उपायुक्त के आदेश से ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 4 में अध्याय धारा 16 से लेकर 36 तक, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आप ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का अध्याय 4 की धारा 16 से 23 जो है वह रैयत से संबंधित है, और 24 से लेकर 36 तक का जो है वह रैयत के जोत की लगान के संदर्भ में। तो आज मैंने अध्याय 4 की चर्चा की, अगली वीडियो में मैं अध्याय 5 और अध्याय 6 की चर्चा करूंगा। ओके, धन्यवाद।